अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। उम्मीदवारों की जो लिस्ट आई है उसमें दो नाम फाइनल हुए हैं। आप शहर कांग्रेस अध्यक्ष हैं, देवास से लगातार कोई से नाम जो चल रहे थे, क्यों लिस्ट रुकी और कब वो नाम देवास, बागली और खातेगांव का डिक्लेयर होगा, क्या मांगते हैं? देखिए, पांच में से दो सीटों पर हाईकमान ने स्वीकृति जारी की है। कोई भी पार्टी, एक साथ पार्टी कोई भी हो, एक साथ लिस्ट कभी जारी नहीं होती। आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी तो टुकड़े टुकड़े में कर रही है, हमारी तो 144 सीटें एक साथ डिक्लेयर हुई है और मैं समझता हूँ 18 तारीख को पुनः एक अंतिम लिस्ट और आएगी, उसमें सब कुछ साफ हो जाएगा। और जल्दबाजी इस बात की नहीं है कि कमलनाथ जी के गृह क्षेत्र छिंदवाड़ा में भी केवल एक सीट ही डिक्लेयर की गई है। कई जगह होती है, कई बिंदु आते हैं सामने। पार्टी इस बार बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से और गंभीरता से एक एक सीट पर अध्ययन कर रही है और बहुत जल्दी अच्छे उम्मीदवार हम यहाँ देवास में भी देने वाले हैं। देवास सीट को लेकर आपकी नाराजगी देखने को मिल रही, क्या कहेंगे? मेरी नाराजगी? हाँ। मेरी नाराजगी होती तो कोई जो नाम चल रहे हैं, एक भी नाम नहीं चलता। मेरी अनुशंसा पे ही टिकट दिए जा रहे हैं, मेरी कोई नाराजगी नहीं हो सकती कभी। मैं कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, कार्यकर्ता देवास के लिए चल रहे, कौन कौन से नाम है? अभी नाम मैं प्रेस को थोड़ी बता सकता हूँ भैया। सोशल मीडिया पे एक और आज जब लिस्ट आई तो एक कुछ नई चर्चाओं का दौर ऊपर चला कि दीपक जोशी भी लड़ सकते हैं, प्रदीप चौधरी लड़ सकते हैं, प्रवेश अग्रवाल, कब आपको क्या लगता है कब मोहर लगेगी दिन? देखिए, संगठन इस बार चुनाव लड़ रहा है। मैंने पहले भी कहा है कि स्टेशन रोड पे आप जाके देख लीजिए, हमारे कार्यालय पे टेंट लग चुका है, हमारे सारे प्रभारियों की लिस्ट तैयार हो चुकी है, मंडलम सेक्टर सब तैयार हो चुकी है। मैंने इस बार कहा है कैंडिडेट नहीं, संगठन चुनाव लड़ेगा, संगठन की पूरी तैयारी। जो पंजा लेके आएगा वो डंके की चोट यहाँ से चुनाव जीतेगा। जो कांग्रेस कार्यालय पर जो टेंट लगाया, क्या वो पार्टी ने लगाया है कि किसी व्यक्ति विशेष? व्यक्ति विशेष क्या होता है, संगठन की अनुमति के बगैर कोई काम मेरी वो जमीन पे कोई लगा सकता है क्या? नाम जल्दी होंगे तय? 100% दो दिन के अंदर सब नाम डिक्लेयर हो जाए। प्रदेश में जीत को लेकर क्या दावा है आपका? मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ, इस बार स्पष्ट क्लियर मेजॉरिटी आएगी और 150+ हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। थैंक यू।